और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो जैसे वो हम बच्चों को भगवान मानते हैं, भगवान का रूप देते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप मन की बात परीक्षा पे चर्चा जो करते हैं उस पर आप तो सिर्फ इन बच्चों को भी दुख दर्द को समझिए। देखिए मन की बात तो भी मेरी इतनी है कि ये जो भैया लोग हैं जो IIT JEE का एग्ज़ाम देने वाले इस साल जो देने वाले हैं उनको जो परेशानी आई है 75% क्राइटेरिया और 20% टाइल वाला, वो भी तो उसको हटा दिया जाए। तो नवंबर का जब आपने बात बताया, जब कोई काम हो ही नहीं सकता तब जाकर के आपने बताया, तो बताने का भी क्या फायदा। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। कौन सी क्लास में हो? सिक्स में। तो यहाँ ये JEE मेंस के जो बच्चे हैं इनका ये चल रहा है, इसमें सिक्स क्लास के बच्चे का क्या काम है? सिक्स क्लास का बच्चे का इसमें काम तो नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ इन सबको दुख दर्द मतलब देख करके, इन लोगों के जो लेट बताया गया नोटिफिकेशन कि भाई 75% क्राइटेरिया लागू हो रहा है, उसके जो जैसे नवंबर के पहले बताना चाहिए था उसके बाद बताए 15 दिसंबर को, तो इन लोगों के पास इम्प्रूवमेंट की चांस ही नहीं रही। तो फिर जब इम्प्रूवमेंट की चांस ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा बताने से भी, अब क्या फ़ायदा। इसीलिए और बच्चे तो अभी डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका तो तनाव आ चुका है पूरा कि भाई अब कैसे करेंगे, जो जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम देना था, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, उनको भी तनाव आ रही है, तनाव पूरी चल रही है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो जैसे वो हम बच्चों को भगवान मानते हैं, भगवान का रूप देते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप मन की बात परीक्षा पे चर्चा जो करते हैं उस पर आप तो सिर्फ इन बच्चों को भी दुख दर्द को समझिए, जितना जा सके ये आवाज़ उतना आप लोग पहुँचाइए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? देखिए मन की बात तो भी मेरी इतनी है कि ये जो भैया लोग हैं जो IIT JEE का एग्ज़ाम देने वाले इस साल जो देने वाले हैं उनको जो परेशानी आई है 75% क्राइटेरिया और 20% टाइल वाला, वो भी तो उसको हटा दिया जाए, क्योंकि आपने जो आपकी जो सिस्टम है उसने लेट बताया है, नवंबर के पहले नहीं बताया, नवंबर के बाद बताया है। तो नवंबर का जब आपने बाद बताया, जब कोई काम हो ही नहीं सकता तब जाकर के आपने बताया, तो बताने का भी क्या फ़ायदा। आपने तो इन लोगों पर और चेकमेट लगा दिया। चल भाई और जा।